एक चूहा था, इसका नाम जीनो था। वो बहुत ही लालची, काहिल और सुस्त था। काहिल चूहा बहुत ज्यादा पेटू भी था। इसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, जीनो की माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत ज्यादा खाते हो लेकिन कामकाज से जी चुराते हो। तुम अपने हिस्से के अलावा मेरे और तुम्हारे पापा का खाना भी चट कर जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है, आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। हाँ, एक बात याद रखना, लालच मत करना। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी किसी मुसीबत में मत पड़ जाना, अपना ध्यान रखना। जीनो बहुत उदास हो गया, मगर उसे जाना ही पड़ा। वो खाने की तलाश में निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक गेहूं का दाना मिला। वो खुश हो गया, उसने गेहूं का दाना उठा लिया। तभी इसकी नजर खरगोश पर पड़ी। खरगोश उसे देखकर हंस रहा था। तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, जीनो ने खरगोश से पूछा। मैं तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अरे, एक किसान की बैलगाड़ी यहाँ से गुजरी है, थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें गेहूं की बाली मिल जाएगी। खरगोश की बातें सुनकर जीनो के मुंह में पानी भर आया। वो झट से आगे बढ़ गया। इसकी नजर गेहूं की बाली पर पड़ी। बाली रास्ते में पड़ी हुई थी। जीनो चूहे ने वो बाली उठा ली और खुशी के मारे नाचने लगा। तभी वहां एक गुलहरी आ गई। इसने चूहे से कहा, एक गेहूं की बाली क्या मिली, तुम तो उछलने कूदने और नाचने गाने लगे। अरे, और मेहनत करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें एक बाली की जगह गेहूं का पूरा पौधा मिल जाएगा। चूहे को गुलहरी की बात पसंद आ गई। वो छत से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया था कि अचानक इसकी नजर गेहूं के पौधे पर पड़ी। गेहूं का पौधा रास्ते में गिरा हुआ था। पौधे में बालियां बालियां थी। जीनो खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। गेहूं के पौधे को देखकर जीनो ने अपने आप से कहा हुआ, क्या मजा आ गया, अब तो पेट खूब भर ही जाएगा। बंदर ने जब चूहे को इस तरह नाचते गाते और उछलते कूदते देखा तो छलांग मारकर उसके करीब आया और कहा, तुम भी आरे बड़े बेवकूफ लगते हो, बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, अगर तुम्हें कई दिनों का खाना एक ही जगह मिल जाए तो। ऐसा वो जगह कौन सी है, चूहे ने बंदर से पूछा। बस यहाँ से सिर्फ 50 कदम के फासले पर गेहूं की फसल का एक बहुत बड़ा खेत है, वहां चले जाओ और जिंदगी भर मौज करो, बंदर ने जीनो को बताया। चूहा बंदर की बातों नोंगुना में आ गया। चलते चलते वो खेत में पहुंच गया। खेत में गेहूं की लहलहाती फसल को देखकर चूहे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने आओ देखा ना ताओ, दौड़ता भागता गेहूं की बालियों पर टूट पड़ा। अभी इसने 2-4 दाने ही गेहूं के खाए थे कि तभी वो एक फुंकार सुनकर डर गया। एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। चूहा डर के मारे कांपने लगा, उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सांप की फुंकार सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक नियोला कहीं से दौड़ता हुआ आया और उसने सांप पर हमला बोल दिया और उसे दबोच कर उदे मरा कर डाला। जीनो चूहा बाल बाल बच गया। उसने खुद से ये अहद किया कि अब वो माँ बाप का कहना मानेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा, क्योंकि वो माँ बाप की नाफरमानी और लालच की वजह से ही आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गया।